नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि हस्तरेखाओं में, जी हाँ जी, हस्तरेखाओं के आधार पर हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति चरित्र का कैसा है। जी हाँ, चरित्रहीन लड़के लड़कियाँ आजकल जो रिलेशनशिप में चलते हैं उनको बहुत सारे लोगों को धोखा मिलता है या प्यार में असफलताएँ मिलती हैं, तो वो कैसे हैं। स्पेशली ये मैं गर्ल्स के लिए ये इस वीडियो बना रहा हूँ कि आजकल जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो ये गर्ल्स के लिए मैंने ये डिफ़ाइन किया है कि गर्ल्स किस तरीके से होती हैं। कि अगर इस तरीके की गर्ल्स आपकी लाइफ में हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए उनको हैंड को, तो आपको एक्सेप्ट थोड़ा सा डाउट पता चल जाएगा कि ये गर्ल्स आपके साथ अगर चीट कर रही हैं कि लॉयल हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर मेरा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे एक रेड बटन होगी, इसको क्लिक कर दीजिए, और चैनल के बगल में एक रिंग बेल होगी, इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो अपलोड होने पे आपको नया नया नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों हाँ, अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो मुझे मेल करिए। मेरी मेल आईडी है nitin549@gmail.com पे। और दोस्तों अगर कुछ भी कुछ पूछना हो कोई आप, तो मुझे मेल कर सकते हैं, और थोड़ी सी फ़ीस पड़ेगी, थोड़ी सी फ़ीस है, बहुत ही मिनिमम फीस है, सभी लोग अप्लीकेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि हस्तरेखाओं के आधार पे हम लोग जाने कि हमारा चरित्र कैसा है, किसी लड़की का चरित्र कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये हस्त लड़कियों के हाथ में आप लेफ्ट हैंड देख लीजिए, और लेफ्ट हैंड देख लीजिए, लड़कियों का हाथ लेफ्ट हैंड देखा जाता है। दूसरी चीज़, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कौन कौन सा होता है। सबसे फर्स्ट ये इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पे जुपिटर होता है, उसके बगल वाली फिंगर को हम लोग सैटर्न यानी शनि कहते हैं, दूसरे वाली इसके बाद बगल वाली इसको हम सूर्य, फिर इसके बगल वाली इसको हम मरकरी कहते हैं, यहाँ से हम लोग मार्स, यहाँ पे लोअर मार्स, यहाँ पे केतु, ये राहु का पोजिशन यहाँ पे है, और ये मून का, ये वीनस का ये पोजिशन होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लड़कियों की कुंडली में, जी हाँ दोस्तों, हम लोग मार्स की पोजिशन देखते हैं। मार्स यानी गर्ल, ये यानी कि हमारा सेक्सुअल पावर गर्ल्स में, तो ये चीज़ हम लोग ये देखते हैं मार्स। जी हाँ, ये देखिए, अगर मार्स का इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का होता है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्स के पोर्शंस में यहाँ पे कोई आउटवर्ड रेखा तो नहीं है। अगर इस तरीके से गर्ल्स के हैंड्स में डार्क और थोड़ी मतलब स्लाइटली यूं इस तरह का ऐसे टेंड्स की ओर, यहाँ पे लाइफ लाइन की ये इधर से लाइफ लाइन की उधर से थोड़ी टेंड हो, तो आप समझ लीजिए कि ये गर्ल्स आपको चीट लॉयल नहीं है, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करेगी। फिर दूसरी बात, उनका गर्ल्स का माइंड हम लोग चेकआउट करेंगे कि यहाँ पे देखिए, अगर मून पर्वत ज़्यादा डोमिनेट है, मीन ज़्यादा उठा हुआ है, और यहाँ से कई सारी ऐसी लाइन हैं, ऐसे मतलब लाइंस गई हैं, तो ये इसको आप लोग ट्रेवलिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये लाइन अगर ये क्रॉस कर रही है लाइफ लाइन की इधर, तो यहाँ पे वीनस से मिल रही है, तो उस पर्सन का यानी कि चंद्र और शुक्र का कम्बिनेशन हो जाता है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का चरित्र कहीं अच्छा नहीं है, वो आपको कभी भी डिसअपॉइंटेड कर सकता है। तो यही चीज़ अब हम लोग देखते हैं वीनस पे, वीनस पर्वत पे, यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसे लकीरें हैं, वर्टिकल्स लाइन है, और इसके ऊपर ये ड्रॉस लाइन खींचें इस तरीके से, और यहाँ पे अगर कुछ ऐसे और ये हुक्स ऐसे कुछ बने हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये लड़की आपको, और यहाँ पे अगर ये चीज़ और अभी ऐसे इस तरह का कटे हो, यहाँ पे क्रॉस हो, तो आप लोग हम लोग समझ सकते हैं कि लड़की आपको डिसअपॉइंटेड चोर करेगी, आपको चीट करेगी। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये दूसरी चीज़ है, ये हार्ट लाइन, अगर आपके यहाँ पे डबल हार्ट लाइन हो और इस तरीके से क्रॉस हो यहाँ पे इसने चैन की तरफ, और ये हार्ट लाइन यहाँ पे लाइफ लाइन की ओर टेंड्स करती हो, और एक लाइफ ऐसे यहाँ पे जुपिटर माउंट की तरफ करती है, तो वो लड़की यहाँ से चीटर होगी 101%। और जो लड़कियाँ गर्ल्स प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस वो करती हैं, तो उनकी लाइन यहाँ से ऐसे डबल हार्ट लाइन होगी, इधर एक ये लाइन और एक इधर हार्ट लाइन इस तरह से होगी, तो इसका मतलब, और ये गर्ड सर्कल ऑफ गर्ड बिजनेस का बनेगा, तो ये चीज़ जरूर बनेगा, तो वो बहुत सारी इस तरीके से उनमें चीटर हो सकती हैं। और सैटर्न पर्वत से अगर यहाँ पे बीच में मिडिल फ्लग में यहाँ पे एक क्रॉस है, तो इसमें भी दिक्कत होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह के, और ये फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मर्करी लाइंस में, इस तरीके से यहाँ एक फोक ऐसे निकले, एक ये टेंस यहाँ पे हार्ट लाइन को टच करे, और यहाँ पे ऐसी तरह से वर्टिकल लाइंस हो कट हों, तो इसका मतलब उसके रिलेशनशिप्स कई अदर पर्सन के साथ हो सकते हैं। तो और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लोअर मार्स में यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल्स लाइन है, इस तरीके से लाइन, और यहाँ पे एक क्रॉस है,
ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे भी लड़की आपको चीट करेगी। फिर देन थम्स के ये इंडेक्स फिंगर और ये थम, अगर थम्स का ये थम्स की हाइट्स यहाँ तक इससे क्या कहते हैं इससे थोड़ी नीचे रहे, ठीक है, इस फर्स्ट पलक के इधर से बीच में तरह हैं तो भी लड़की चीट सकती है। और आप सबसे पहले आप लड़कियों को अगर आपको अच्छी है गुड है तो उनके नेल्स देख लीजिए, जो एक जो जो चीटर लड़की होगी उसके नेल्स थोड़े से काफ़ी लॉन्ग होंगे, टिप्स इस तरीके से टिप्स उनके नेल्स ज़्यादा लंबे रहेंगे, और लंबे नेल्स वाली गर्ल्स को प्लीज़ थोड़ी सी वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होगी, वो नेल्स पे ज़्यादा करती हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि गर्ल्स कौन सी गर्ल्स आपके लिए अच्छी हैं कौन सी बैड हैं, तो एक आइडिया लगाया जा सकता है। मेरी वीडियो का उद्देश्य ये नहीं कि मैं किसी लड़कियों के ऊपर कुछ गलत कमेंट्स करूं, बट आजकल जो लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी के आधार पर ये हस्तरेखाओं के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं। और दोस्तों ये रहा मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल के नीचे रेड बटन है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और रिंग बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे मेल करिए, मेरी मेल आईडी है nitin549@gmail.com पे। और दोस्तों थोड़ी सी फीस पड़ेगी, प्लीज़ 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 हेल्पफुल, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।